नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास शो बात मुक्ता की। आज हम आपसे रोजमर्रा से जुड़ी कुछ परेशानियों की बात करने वाले हैं। दोस्तों, हमारे शरीर में कुल 187 जॉइंट्स हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं सबसे पहले खराब कौन सा जॉइंट होता है? नी जॉइंट्स, जिसे हम आम भाषा में घुटने भी कहते हैं। जब भी हमारे घुटनों में दर्द या परेशानी होती है तो हम उठते बैठते भगवान को याद करने लगते हैं। घुटनों में आवाज़ों के साथ ही ये कह सकते हैं आपको इतना दर्द होता है कि हर वक्त आपके मुंह से बस हे भगवान ही निकलता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, कई तरह की बीमारियां हमें घेरने लगती हैं। ना सिर्फ महिलाओं में बल्कि पुरुषों में भी आजकल ये आम हो गया है। और तो और छोड़िए, स्कूल कॉलेज के बच्चों को भी जॉइंट से जुड़ी बीमारियां होने लगी हैं और उन्हें डॉक्टर्स के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। कमर दर्द, घुटने में दर्द, शोल्डर्स में खिंचाव, मसल पेन या फिर सर्वाइकल जैसी परेशानियां हमारे चारों ओर बड़े आराम से देखी जा सकती हैं। और इसी पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर साहिल मौजूद हैं, जो ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। हम उनसे जानेंगे कि आखिर क्या कारण है, क्यों ये बीमारियां इतनी आम होती जा रही हैं, क्यों बढ़ती जा रही हैं। डॉक्टर साहिल, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। डॉक्टर साहिल, पहले जॉइंट पेन को इट वॉज ऑलवेज अ साइन ऑफ एजिंग, पहले लोग ऐसे समझते थे, लेकिन आजकल आप देख रहे हैं बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, सभी इससे परेशान हैं। क्यों ये इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है? See, joint is not what you see, it's made up of two bones only. अगर आप बात करें कि joint pain की जो बुजुर्ग समस्या थी कि with age है, तो एक joint को बनाने के लिए पहले तो दो bones हैं जिनके बीच में joint बनता है। उसको support करने के लिए एक हमारे बीच में एक cartilage की परत होती है bones के ऊपर, जिसे हम cartilage बोलते हैं। फिर उसके बाद ligaments हैं, muscles हैं, tendons हैं। तो जो आप परसीव करते हैं कि नी पेन हो रहा है, वो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ नी पेन किसी बोन की वजह से ही हो रहा है। इट कैन बी अ लिगामेंट इंजरी, इट कैन बी डैमेज टू योर कार्टिलेज, इट कैन बी अ मसल टियर और अ टेंडन इंजरी, एंड देन लेटर ऑन इन विद एज यू कैन से आर्थराइटिस, विच इज़ लॉस ऑफ कार्टिलेज विच लीड्स टू आर्थराइटिस। तो जो आप आर्थराइटिस की बात कर रहे हैं, वो हमारे कार्टिलेज के डैमेज होना है। कार्टिलेज डैमेज होता है, कार्टिलेज जैसे मैंने बताया आपको बोन की आउटर कवरिंग है। जब वो कार्टिलेज डैमेज होगा तो हमारी बोन्स आपस में रगड़ खाएंगे, जिसे हम वियर एंड टीयर बोलते हैं जी। तो बोन्स के रगड़ने के कारण जो पेन परसीव होता है, डैट इज आर्थराइटिस पेन। नाउ आर्थराइटिस कैन ऑल्सो बी ड्यू टू वेरियस अदर रीजन्स। इट कैन बी इन्फेक्टिव, इट कैन बी प्राइमरी आर्थराइटिस, इट कैन बी इन्फ्लामेटरी, जिसे आप रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं, या इट कैन बी जस्ट एज रिलेटेड फिनोमेना। सो आर्थराइटिस इज नॉट अ डिसीज। सबसे पहले तो ये धारणा अपने मन से निकालनी है कि मुझे ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया नी का, तो क्या मैं बीमार हूँ? नहीं, आप बीमार नहीं हो, वो एक नॉर्मल एजिंग फिनोमेना है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपके घुटने आपसे जल्दी एज कर गए, मे बी यू आर 40 बट योर नीज आर ऑलरेडी 60 ईयर्स ओल्ड, सो डैट इज़ वाई यू आर परसीविंग पेन अर्ली। जो आपका सवाल था कि हमें जल्दी क्यों पेन हो रहा है, पहले तो लेट नहीं होता तो, जैसे मैं कह रही थी कि आजकल जिसे देखिए वो इससे परेशान है, तो आपके हिसाब से ये लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम है या फिर एक फिजिकल कंडीशन है? मैम, सबसे पहले तो क्लिनिकली एग्जामिन करना बहुत जरूरी है कि जो पेन है वो किस वजह से हो रही है, बिकॉज देयर आर 1000 रीजंस ऑफ पेन। बट हाँ, लाइफस्टाइल की बात करें तो इट डिपेंड्स विद एज। अगर मैं यंगस्टर्स की बात करूँ या टीनएजर्स की बात करूँ, तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बैठे बैठे वी आर जस्ट सिटिंग ऑन द चेयर फॉर 10-12 लॉन्ग आवर्स, एंड देन वी गो टू हाउस एंड वी डोंट डू एनी एक्सरसाइज। तो लैक ऑफ एक्सरसाइज, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, हमारी डाइट में विटामिन डी डेफिशिएंसी होना, एंड लॉस ऑफ सनलाइट एक्सपोजर, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर वेरियस पेन्स दीज डेज। हम धूप में निकलना ही भूल गए हैं, वी जस्ट वॉन्ट टू क्लोज अवर सेल्फ इन एसी चैम्बर्स, वी सिट इन अ एसी कार, हमें घर भी एसी चाहिए, हमें धूप कहीं नहीं चाहिए। तो उसका खामियाजा हमारे जॉइंट्स को भुगतना पड़ता है, हमारी बॉडी को भुगतना पड़ता है। जैसे इस पे भी हम आएंगे, लेकिन जैसे अभी आपने बोला कि हमें चेक कराना पहले ज़रूरी है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस कारण से हो रहा है, तो मैं चाहूँगी आप दर्शकों को बताइए कि कौन कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो आपको कराने चाहिए बोन की डीजनरेशन को चेक करने के लिए। मैम, सबसे पहले आपको डॉक्टर को मिलना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें एक अच्छे क्लिनिकल एग्जामिनेशन से ही हम लोगों को समझ में आ जाती हैं। मैं बहुत ज़्यादा डायग्नोस्टिक टूल्स को अप्लाई करना पहले शुरुआती तौर पे ज़रूरी नहीं समझता। आप प्रॉपर हिस्ट्री दीजिए, आप क्या काम करते हैं, कहाँ पे पेन हो रहा है, पेन कब हो रहा है, सुबह ज़्यादा हो रहा है, रात को हो रहा है, रेस्ट में पेन ज़्यादा हो रहा है या वर्क एक्टिविटीज़ करते हुए ज़्यादा हो रहा है।
रात के बाद सुबह उठने वक्त स्टिफनेस महसूस हो रही है, जब कुछ करते हो तब स्टिफ लगता है। तो इन्हीं सवालों से बहुत सारा हमारा डायग्नोसिस नैरो डाउन आ जाता है। हिस्ट्री के बाद बात आती है क्लिनिकल एग्जामिनेशन की। हम लिगामेंट के टेस्ट कर सकते हैं, हम यू नो बोन की अलाइनमेंट देख सकते हैं, आपको कोई डिफॉर्मिटी है कि नहीं। उसके बाद हम इन्वेस्टिगेशंस पे हैं, तो आई ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम वेरी सिंपल इन्वेस्टिगेशन। अ प्लेन एक्सरे ऑफ अ नी कैन टेल मी थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स विच आर हिडन फ्रॉम मेनी पीपल। आप एक्सरे में देख सकते हो कि आपकी हड्डियाँ ठीक हैं कि नहीं, और अगर लिगामेंट इंजरी है देन विल गो फॉर MRI। तो अगर आपका कोई भी लिगामेंट टियर है तो MRI में आप देख सकते हो और कौन से ग्रेड की इंजरी है। डॉक्टर साहब, आप लिगामेंट इंजरी की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपके आने के पहले ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने हमसे बात की और उनकी भी अपनी परेशानियां थी, वो कह रहे थे आप जरूर पूछेगा। ये लिगामेंट इंजरी की बात आप कर रहे हैं, तो क्या ये लाइफ टाइम हो जाती है या फिर इसका भी क्योर है? क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लिगामेंट टियर हुआ और उसके बाद से वो हमेशा परेशान रहते हैं। उनका ऐसा कहना है कि वो नॉर्मल एक्टिविटीज उससे नहीं कर पाते हैं, वजन नहीं उठा पाते हैं अगर हाथ में। ऐसी कोई भी लिगामेंट इंजरी नहीं है नी के अराउंड जो आपको लाइफ टाइम रहे और उसका क्योर पॉसिबल ही ना हो। अभी तो हमने हर चीज़ का इलाज ढूंढ लिया है। अगर ये यंग एज में हो रहा है, अब मैं पहले लिगामेंट्स बताना चाहूँगा, आप लिगामेंट्स पे आए हैं, तो बहुत सारे लिगामेंट्स हैं जो हमारे नी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन मेन आपने सुना होगा कि ACL टियर हो गया या मेनिस्कस टियर हो गया। तो जो इंपॉर्टेंट लिगामेंट्स हैं दैट इज ACL इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, PCL मेनिस्कस एंड कोलेटरल लिगामेंट्स, मीडियल कोलेटरल लिगामेंट एंड लेटरल कोलेटरल लिगामेंट। एथलीट्स में, स्पोर्ट्स में जो रनर्स हैं या जो रेसलिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, उनमें जो सबसे ज़्यादा टीयर हो रहा है वो हो रहा है ACL और दूसरा मेनिस्कस टीयर हो रहा है। ACL टीयर और मेनिस्कस टीयर भी देयर आर फोर ग्रेड्स। ग्रेड वन टीयर है तो हम उसको रेस्ट से, फिजियोथेरेपी से, फिजिकल एक्टिविटीज से ठीक कर सकते हैं। और ग्रेड थ्री के बाद अगर आपका टीयर है, और टीयर के साथ ये देखना बहुत ज़रूरी है कि हमारा नी कितना स्टेबल है। इफ देयर इज ग्रेड थ्री इंजरी ऑफ योर लिगामेंट प्लस उसके साथ आपका नी भी अनस्टेबल हो रहा है, तो पेशेंट हिस्ट्री देगा कि मुझे दर्द होती है, और दर्द से भी ज़्यादा परेशानी तब होती है कि वाइल आई एम वॉकिंग आई फील लाइक कि मेरा घुटना निकल के बाहर आ जाएगा, जैसे हम गिविंग अवे ऑफ द नी बोलते हैं। तो अगर ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं तब आपको ऑपरेट करना ज़रूरी है। और इसका जो ऑपरेशन होता है ACL टियर का या मेनिस्कस का, वो बहुत ही सिंपल, जिसके रिजल्ट्स मोर देन 95% हैं, बिना कोई इंसीजन या चीरा दिए। एक आर्थ्रोस्कोपी, आपने वर्ड सुना होगा आर्थ्रोस्कोपिक ACL रिकंस्ट्रक्शन, इट्स अ की होल सर्जरी। आपके पास गाड़ी है, ज़रूर उसकी की भी होगी, तो चाबी का जो साइज़ है आपकी गाड़ी की का, सिर्फ उतना ही एक पोर्ट बनता है, विच आई कॉल एस की होल सर्जरी। एक स्टैब यहाँ पे और दूसरा स्टैब बाहर की तरफ। एक स्टैब से मैं कैमरा, जिसे स्पेशलाइज कैमरे को हम आर्थ्रोस्कोप बोलते हैं, मैं आपके जॉइंट के अंदर कैमरा इंसर्ट करता हूँ, आर्थ्रोस्कोप इंसर्ट करता हूँ, मुझे सामने की स्क्रीन पे फुल HD व्यू दिखाई दे रहा होता है कि जॉइंट में क्या है, क्या प्रॉब्लम है, कौन सा लिगामेंट डैमेज है। आई कैन विजुअलाइज द होल ऑफ योर जॉइंट ऑन माई स्क्रीन विद जस्ट सिंगल की होल। और दूसरे होल से मैं अपने स्पेशलाइज इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करता हूँ, तो जो भी आपको प्रॉब्लम है उसको ठीक करने के लिए, अगर वो टीयर है और रिपेयरेबल है तो उसे रिपेयर करना है, अगर रिपेयरेबल नहीं है तो रिकंस्ट्रक्शन भी पॉसिबल है। हम आपके नी के थोड़ा सा ही नीचे, जैसे हम टीबिया बोन बोलते हैं, लेग की बोन बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में बात करूं, तो यहाँ पे बहुत सारे टेंडन्स हैं, उनमें से एक टेंडन को मैं हार्वेस्ट करके, आप ही के टेंडन को लेके उसको ग्राफ्ट बना के आपका पूरा का पूरा नया ACL तैयार कर सकता हूँ। नेक्स्ट आपने सवाल पूछा था कि क्योरेबल है कि नहीं, क्या ये लाइफ लॉन्ग चलेगा। अगर आप इलाज नहीं कराओगे इवन ग्रेड थ्री ग्रेड फोर इनस्टेबिलिटी के बाद, तो लिगामेंट टियर होने के कारण आपका जॉइंट कमज़ोर हो जाएगा, हड्डियां आपस में ज़्यादा टकराएंगी और आर्थराइटिस आपको जल्दी हो जाएगा, जो कि मैंने बोला कि शायद आप 40 के हैं मगर आपका जो घुटना है वो आपसे पहले 60 का हो जाएगा। लेकिन अगर आप ACL सर्जरी, मेनिस्कस सर्जरी, कोई भी आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी विद टाइम करवा लेंगे तो ये 100% क्योरेबल है, और इसके बाद आप बैक टू नॉर्मल लाइफ आ जाते हैं। आप विद इन फ्यू वीक्स आप ड्राइव तो आप एक हफ्ते बाद कर सकते हो। मेरे आपको कितने रेस्ट की जरूरत पड़ेगी, कितने दिनों का रेस्ट चाहिए होता है? मैंने अपने पेशेंट्स को एक महीने के बाद दोबारा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में आते हुए देखा है। आई ऑपरेटेड ऑन अ स्पोर्ट्स पर्सन, ही वॉज एन एथलीट, उसका रनिंग भागना ही उसका प्रोफेशन था, एंड ही वॉज ऑन बेड एंड ही वॉज going into depression and personal or professional sub life affect ho rahi hai,
तो आफ्टर ACL रिकंस्ट्रक्शन एक महीने के बाद वो दोबारा अपनी रनिंग एक्टिविटीज में वापस आ गया एंड ही रन अ मैराथन. इवन देर आर पेशेंट्स जो ACL रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी के बाद माउंट एवरेस्ट तक चढ़ के आए हैं. तो मैं अपने दर्शकों से भी यही कहूंगी कि डॉक्टर साहब की बात आप प्लीज ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज हम उनसे हर वो सवाल पूछेंगे जिससे हमें और आपको परेशानी होती है हर दिन, हम सब जो फेस करते हैं आज डॉक्टर साहब हर उस सवाल का जवाब देंगे. तो आप ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझने की कोशिश करिए कि क्या हो सकता है, किस तरह का इलाज हम करा सकते हैं. डॉक्टर साहब, क्योंकि अभी हम इसकी लिगामेंट्स की बात करें तो अब आजकल, क्योंकि मैं कह रही हूँ कि ये सब चीज़ें हम रोज़ देख रहे हैं, अपने अगल बगल देख रहे हैं, जैसे आजकल हेयरलाइन फ्रैक्चर ही हो गया तो भी उसकी जो रिकवरी प्रोसेस है वो काफ़ी लंबा होता है, काफ़ी टाइम लगता है हील होने में, ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, पहले तो हेयरलाइन फ्रैक्चर कोई हेयरलाइन फ्रैक्चर होता ही नहीं है. हेयरलाइन टर्म ये लेमन टर्म है. अ फ्रैक्चर इज अ फ्रैक्चर. उसकी डेफिनेशन है एनी ब्रीच इन द कंटिन्यूटी ऑफ द बोन इज फ्रैक्चर. आपके बोन के कॉर्टेक्स हैं, कहीं पे भी कॉर्टेक्स में ब्रेक है, भले वो एक में हो या दो में हो, वो फ्रैक्चर है. और फ्रैक्चर हो जाने के बाद हमें उस अफेक्टेड पार्ट को ये देखना है कि वो डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर है या अनडिस्प्लेस्ड है, हड्डी टूट के वहीं है या अपनी जगह पे है. आपने सिंपल हेयरलाइन फ्रैक्चर की बात की, जैसे मैं बोलूँगा एक अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर है और सिंपल फ्रैक्चर है, तो हमें उसे प्रॉपर रेस्ट देना है. रेस्ट के बाद आइस पैक अप्लाई करने हैं, कंप्रेशन देना है. वो कंप्रेशन बैंडेज से भी हो सकता है या प्लास्टर स्लैब हो सकता है, कास्ट हो सकता है. तो अगर फ्रैक्चर को यूनाइट होने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, उसका रीज़न है कि ज़रूरत से ज़्यादा मोबिलिटी या मोशन उस पार्ट को दिया गया. आपने खुद अपने सिंपल फ्रैक्चर को कॉम्प्लिकेट कर दिया. आपने पार्ट को रेस्ट नहीं दिया, आप टाइम पे डॉक्टर के पास नहीं गए, आपने कंप्रेशन नहीं दिया, आपने आइस पैक्स नहीं लिए, या प्रोबेबली आपने एनसेड्स जो मेडिसिन हैं वो नहीं लिए. आप सही कह रहे हैं, शायद नॉर्मल भाषा में हेयरलाइन फ्रैक्चर सुन के हम सोचते हैं कि हम उसको बड़ा माइल्ड, हम उसको ओवर यूज करते रहते हैं. बिल्कुल, तो उस पार्ट बहुत को लाइटली लेते हैं, शायद वो इसलिए मुश्किल पड़ जाता है. कोई भी फ्रैक्चर अगर हो रहा है, ट्रॉमा हो रहा है, तो आपको चोट लग रही है, तो वो इतनी सिवियर है कि आपकी बोन तक जा रही है, तो आप सोचिए बोन के ऊपर मसल है, फिर फेशिया है, सबक्यूटेनियस फैट है, स्किन है, तो इन सब चीज़ों को भी तो नुकसान पहुंचा होगा बोन से जाने से पहले. तो उस मसल को भी रेस्ट की ज़रूरत थी, उस अफेक्टेड पार्ट को भी रेस्ट की ज़रूरत थी, जिसे आप सॉफ्ट टिश्यू इंजरी बोलते हैं, या हम आम भाषा में बोलते हैं कि हड्डी तो नहीं टूटी लेकिन सिर्फ मोच आ गई, स्प्रेन आ गया या स्ट्रेन हो गया. तो जो रेस्ट चाहिए आपके पार्ट को, आपने वो नहीं दिया, आपने कंप्रेस नहीं किया, आपने आइस पैक्स नहीं लगाए, इस करके आपका जो हीलिंग प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा डिले हो गया. ये आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोली कि हड्डियों में शायद हम बहुत सारी चीज़ों में फ़र्क समझ ही नहीं पाते हैं, हम खुद से बहुत सारी चीज़ों का इलाज करने लगते हैं और शायद वही हमारे लिए और ज़्यादा भारी पड़ जाता है, या फिर हमें लगता है कि अगर कोई भी चीज़ हमें हो गई तो अभी ये बड़ी मुश्किल हो गई है, अभी ठीक नहीं हो सकती और हम गिव अप करने लगते हैं. ऐसा कुछ नहीं है. हर ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि आप कौन सी स्टेज पे अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिल रहे हैं. अगर आप सही समय पे अपने सिम्टम्स को समझ पाएँ और ये समझें कि आपकी बॉडी को ज़रूरत है, आप उससे अपनी डेली एक्टिविटीज़ अफेक्ट हो रही हैं, आप नज़दीकी ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाएंगे तो ज़रूर आपकी हिस्ट्री, क्लिनिकल एग्जामिनेशन और कुछ ही सिंपल इन्वेस्टिगेशंस के साथ आपको बता दिया जाएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है, उसके लिए आपको क्या करना है, और इन फ्यूचर ऐसा ना हो उसके लिए आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, और आपका इलाज बिल्कुल संभव है. डॉक्टर साहब, जैसे अभी आपने भी बताया नी प्रॉब्लम्स, हड्डियों से रिलेटेड एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है नी की, तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी आपसे कि क्यों इतना ज़्यादा ये हो रहा है, नी प्रॉब्लम्स क्यों हो रही हैं, दूसरा क्या क्या न्यू एज ट्रीटमेंट्स हैं इसके लिए? इंडिया में अभी देखा गया है कि बहुत ज़्यादा नी प्रॉब्लम्स का सर्ज आया है. वन ऑफ द रीज़न इज सेडेंट्री लाइफस्टाइल, जो पहले नहीं था. अब आप बात करेंगे कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल तो वेस्टर्न कंट्रीज में भी है, फिर इंडिया में ही क्यों ये ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नी ज़्यादा बढ़ रहा है? तो सेडेंट्री लाइफस्टाइल के साथ साथ जो हमारा पोस्चर है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है. हम बैठते हैं स्क्वैटिंग पोजीशन में या हम क्रॉस लेग पोजीशन में बैठते हैं, दोनों ही पोजीशन में नी की एक्सेसिव बेंडिंग होती है. तीसरी बात मैं बताना चाहूँगा, जो लोगों को लगता है यू स्टे फिट, नो दिस इज़ नॉट ट्रू. आफ्टर 40 फिट रहने के बहुत तरीके हैं, आप वॉक कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, बट स्टेयर क्लाइंबिंग आपको जितना हो सके उतना अवॉइड करना है, बिकॉज हमारी बॉडी की बायोमैकेनिक्स कुछ ऐसी है, व्हेन वी क्लाइंब डाउन स्टेयर्स तो हमारी बॉडी का 5 times ऑफ द वेट सिर्फ और सिर्फ आपके नी जॉइंट्स पे आ रहा है. सपोज यू आर 70 kgs एंड यू आर क्लाइंबिंग डाउन स्टेयर्स, तो आपके नी के ऊपर लगभग 300-400 kg वेट आ रहा है और आपको उसका एहसास ही नहीं हो रहा. एंड अनदर रीज़न इज एक्सेसिव बेंडिंग, जिसमें स्क्वेटिंग और क्रॉस लेग आया.
और फिर उसके बाद बात आती है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एंड विटामिन डी डेफिशिएंसी व्हिच कैन बी ड्यू टू लैक ऑफ सनलाइट एज वेल। तो पोस्चरल रोल बहुत ज़्यादा प्ले करता है और सेडेंट्री लाइफस्टाइल जो हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे। अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो मैं बताता हूँ हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो मसल्स स्ट्रांग होंगे। और मैंने बताया कि एक जॉइंट सिर्फ हड्डियों से नहीं बनता, उसमें लिगामेंट्स भी हैं, मसल्स भी हैं। एसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स विल मेक योर बोन्स इवन द जॉइंट्स स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। और अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते तो डिसयूज एट्रॉफी बोलते हैं हम, तो आपके मसल्स वीक हो जाएंगे, टोन हो जाएंगे। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम ज्यादा दौड़ेंगे तो भी हमारे जॉइंट्स नी में प्रॉब्लम हो जाएगी, ये क्या ये सही है? दौड़ना क्षमता अनुसार, विच आई एम स्ट्रेचिंग ऑन, मैं बार बार स्ट्रेच कर रहा हूँ कि वर्कआउट उतना, एक्सरसाइज उतनी जितनी आपकी बॉडी टॉलरेट कर सकती है। तो प्लीज़ इसको प्रोफेशनल एक्सपर्ट की मदद से ही करें या किसी ट्रेन ट्रेनर के साथ करें तो वही अच्छा है। आपने एक महीना, दो महीना, छः महीने से कोई वर्कआउट नहीं किया और एक दिन आप जिम जाके सोचो कि मैं तो 100 केजीज के साथ लेग प्रेस करूँगा, तो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू अफेक्ट योर क्वाड्रिसेप्स एंड हैमस्ट्रिंग्स। हो सकता है कोई आपके साथ 150 केजी में भी एक्सरसाइज कर रहा हो, बट वो बंदा ट्रेंड है, उसने शुरुआत शायद 5 किलो या 10 किलो से ही की थी जी, तभी वो यहाँ तक पहुँचा है। और दूसरा, जिम जाने से पहले, मैं जिम की बात हुई है तो स्ट्रेस करना चाहूँगा, हम सीधा जिम में जाते हैं और वर्कआउट करना स्टार्ट कर देते हैं, ना हम पहले स्ट्रेचिंग करते हैं ना हम बाद में स्ट्रेचिंग करते हैं। तो आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू ऑल कि अगर आप जिम जाते हो तो प्लीज़ पहले प्री वर्कआउट बहुत ज़रूरी है, अपनी बॉडी को वार्म अप कीजिए, फिर आपने जिस भी मसल की एक्सरसाइज की है उसी मसल की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करना उतना ही जरूरी है, अगर उससे ज्यादा जरूरी है जितना उसको वर्कआउट करना। तो मैं ये जो पॉइंट है ये फिर से एक बार रिपीट करना चाहूंगी, क्योंकि आजकल बहुत सारे, स्पेशली हमारी यंग जनरेशन जो है वो वर्कआउट करती है, सभी को फिट रहने का शौक है, तो बिना वार्म अप किए आप एक्सरसाइज ना शुरू करें, आप ये कहना चाह रहे हैं जी? और एक्सरसाइज करने के बाद भी बिना स्ट्रेचिंग किए जिम से बाहर नहीं निकलिए। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आप विटामिन डी की बात कर रहे हैं, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से भी कह रही हूँ, क्योंकि मैं भी गई थी डॉक्टर को दिखाने, तो डॉक्टर ने बोला कि एक बार आप 35 के भी बाद आपको अब वो विटामिन डी का सप्लीमेंट लेना ही पड़ता है। इट इज़ नॉट एज डिपेंडेंट, विटामिन डी सप्लीमेंटेशन की जरूरत सबको है, क्योंकि अब उनका कहना है कि सिर्फ धूप में बैठने से नहीं होगा, अब आपको उसकी जरूरत है। और आप 90% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज विटामिन डी डेफिशिएंट, उसका एक रीज़न लैक ऑफ सनलाइट है, दूसरा रीज़न न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, और तीसरा रीज़न जेनेटिक भी है। तो आई वुड से ऐसा नहीं है कि 35 और 40, मैंने 5 साल के बच्चे को भी विटामिन डी दिया है और मैं खुद भी विटामिन डी सप्लीमेंट्स लेता हूँ। तो ये एज रिलेटेड नहीं, एज रिलेटेड नहीं है। अगर आपका विटामिन डी डेफिशिएंसी है तो उसको पूरा करना बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है खासतौर पे हमारे देश में कि हमें लगता है कि जॉइंट पेन जो है इट इज़ इनएविटेबल एज वी एज, लोग ऐसा मानते हैं, तो क्या इसलिए अपने आप को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं कि अब तो उम्र बढ़ रही है तो ये तो होना ही है? नहीं, मेरे प्रोफेसर हैं, ही इज़ 92 ईयर्स ओल्ड एंड ही ऑपरेट्स इवन बेटर देन मी समटाइम्स। नहीं, इसलिए मैं कह रही हूं लोग जनरली सोचते हैं कि उम्र के साथ तो ये होना ही है। उम्र के साथ साथ आप अपने शरीर को एक एक अलग ही कंफर्ट जोन में ले जाते हो कि अब मैं वर्कआउट नहीं करूंगा या मैं ज़्यादा काम नहीं करूंगा। अगर आप स्टिफनेस खुद क्रिएट कर रहे हैं, जॉइंट को यूज़ नहीं कर रहे, तो जॉइंट को ऑब्वियसली आपसे पहले ही एज हो जाएंगे। तो उम्र के साथ ऐसा होना कुछ वो नहीं है। डॉक्टर साहब, जैसे नी की बात हम लोग कर रहे हैं, आजकल आप देखिए सर्वाइकल और स्पॉन्डिलाइटिस बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गया है। शायद ये भी है कि ज़्यादा लोग वर्किंग हैं, तो आपने जैसे कहा कि वो पोस्चरल डिफेक्ट भी है, सर्वाइकल पेन, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गया है, जिसको सुनिए वो उससे परेशान है। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।